तो सुबह पुलिस को सूचना मिली कि दोनों की हत्या हो गई, यहाँ पे दो लाशें हैं। यहाँ पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक तो जनपद प्रयागराज में पड़ती है, दूसरे का बॉर्डर जनपद कौशाम्बी लगता है, तो वहाँ उसका वैधानिक कार्य किया जा रहा है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया आपस में लड़ाई झगड़े का मैटर लगता है, नशे की हालत में। आगे जैसे जैसे पुलिस तहकीकात करती जाएगी आपको सूचना दी जाएगी। दोनों मृतक सगे भाई बताए जा रहे हैं, ऐसा क्या कुछ है और कैसी हत्या किस तरीके से की गई? प्रथम दृष्टया जो भी यहाँ जानकारी पता चली है बातचीत करके लोगों से, उसमें लगता है दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ रात में किसी बात को लेकर, और उसी में ये घटना हुई है। इसके अलावा जो जानकारी है वो तहकीकात के बाद ही बताना उचित होगा। किस तरीके से सर की गई है, मतलब मर्डर किस तरीके से हुआ है, क्या रेलवे ट्रैक आपसी झगड़े के बाद? इसमें एक को तो पत्थर से मार के किया गया है और दूसरे का बताया जाता है कि उसने रेलवे ट्रैक के पास जाकर सुसाइड किया। ये प्रथम दृष्टया है। सर क्या घटना हुई है, किस तरह से ये जो हत्या हुई है, वजह क्या है? अभी अभी सुबह सूचना मिली पुलिस को कि पंथरवा में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसके सर में चोट है और उनका भाई रेलवे ट्रैक पर है, वहाँ पे कट गया है। जब यहाँ के आरंभिक तौर पे जानकारी की गई है तो ये जो मृतक जितेंद्र है वो ट्रैक्टर वगैरह चलाता है एक जगह। कल शाम को 7 बजे वहाँ जानकारी मिली कि ट्रैक्टर खड़ा करके घर आ गए थे ये, और नॉर्मली इनके पिताजी कहना कि घर पे आने के बाद खाना वाना खा के रात को ही निकल जाते थे, कहाँ घूमते थे कैसे कुछ पता नहीं है। और वो सो गए क्योंकि कामकाजी हैं रमेश जी, वो सो गए, उनका कुछ पता ही नहीं चला। और मौके पर यहाँ पे छोटे वाली भाई जिसकी रेलवे ट्रैक पे डेड बॉडी मिली है उसकी चप्पल पड़ी हुई है, मृतक की चप्पल अलग है और ये छोटे की चप्पल अलग है, यहीं पे पड़ी हुई है। और ये वो उसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक जो बगल में आप देख रहे हैं थोड़ी दूरी पे है, वहाँ पे जा कर के कटा हुआ है। अभी पूरे मामलों की जानकारी की जा रही है। अभी आरंभिक तौर पर थोड़ी सी बात आई थी कि छोटी मोटी बात को लेकर के दोनों भाइयों में शाम को कुछ कहा सुनी हुई थी, और वहाँ से फिर घटना तक की परिणत की और इसके बीच में कुछ और भी बातें हैं, तो हम सारी बिंदुओं पर तहकीकात कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं और शीघ्र ही पता चल जाएगा। दोनों बॉडी अलग अलग स्थानों पर? हाँ, दोनों डेड बॉडी क्योंकि वो जहाँ रेलवे ट्रैक पे कटा है वो कौशाम्बी में आ रही है, तो पूरा मुफ्ती के लोग गए हैं वहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं और आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। और ये घटना धूमनगंज की है और इसमें हम इनके पिताजी से अभी तहरीर लेके कार्रवाई शुरू करेंगे। हम गाड़ी चलाने गए, मालूम पड़ा सुबह आए तो एक बॉडी इधर एक बॉडी लाइन पे पड़ी थी। क्या लग रहा है कि किसी ने हत्या की है कि? अब अभी तो मालूम नहीं है,
शख्सियत है, खाना के बनाने लगे और आपस में बाहर निकल के झगड़ा किया, पेड़ पत्थर से मार के छोटा वाला भाग गया रात में, और अब उसका भी रेलवे एक्सीडेंट अब कर लिया, आत्महत्या वो भी कर लिए। ऐसे ही इनका दोनों का जान चली गई।